रैबिज डीएसआर कैप्सूल का यूज किसमें किया जाता है? इसका डोज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट्स, कंटेंट्स और इसे की सावधानी क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। क्या फ्रेंड आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना है। रैबिज डीएसआर कैप्सूल जिसके कंटेंट की बात करें तो इसका कंटेंट है रेबिप्राजोल सोडियम डोमपेरिडोम, जो कि इसका कंटेंट है, जो कि हमारे पास रेबिप्राजोल है 20 mg, डोमपेरिडोम है 30 mg, इसमें कंटेंट है। इसे इम्स्योर फार्मा द्वारा बनाया जाता है, फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, जो कि बहुत ही बेहतर कंपनी है। इसका इस्तेमाल जो बेनिफिट है और इसे कब डाटा देते हैं हम जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको आपके पेट में गैस बनी हो, खाना हजम नहीं हुआ है और खट्टी डकार आ रही है, सीने में जलन है या फिर कुछ लोगों को सर दर्द होने लगता है, गैस बन जाता है, तो उसमें भी ये देते हैं डॉक्टर। या उकलाई आ रहा है, उल्टी हो रहा है, तो इसमें बहुत ही बेहतर काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। या आप कोई मेडिसिन खा लिए हैं, कोई एंटीबायोटिक टेबलेट खा लिए हैं और आपको गैस बन गया है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसका है। अब हम जान लेते हैं इसके सावधानी के बारे में, फिर हम जानेंगे इसके डोज के बारे में। सावधानी है, जिसको लीवर या किडनी संबंधी दिक्कत है वो इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले, और जो महिला प्रेग्नेंट है फिर जो हम अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो इसका यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर से ले लें। और ये अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें फ्रेंड्स, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब हम जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसका डोज जो है एक अडल्ट व्यक्ति दिन में 2 टाइम ले सकता है, सुबह शाम खाना खाने के बाद, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए दूसरा आता है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें बच्चों के लिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जानकारी के लिए, इसे खाना खाने से पहले खाना रहता है, खाना खाने के बाद नहीं, खाना खाने से पहले आपको इसे खाना है। और मरीज की कंडीशन क्या है, किस हिसाब से उसे गैस बनता है, तो उस हिसाब से दिया जाता है, एंटी एसिड यह दवा है, तो किस हिसाब से उसे दिक्कत है उस हिसाब से डॉक्टर इसे देते हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर से कर ले। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। याद रहे मैं कॉमन साइड इफेक्ट आपको बता रहा हूँ। इसका कॉमन साइड इफेक्ट है जैसे उल्टी, मतली, जी मिचलाना, वही जी मतली में बोला तो जी मिचलाना, और सर दर्द होना, शरीर में दाने निकलना, खुजली होना, चक्कर आना, ऐसा कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, तो इसका सेवन करना तुरंत ही बंद करें, अपने डॉक्टर से सलाह लें। हम बात करें इसके मार्केट में आपको कितने का मिलेगा। 172 रुपए का एमआरपी है, 10 कैप्सूल का कैशिप आता है, ये एक जर्निंग मेडिसिन है जो कि आपको 100 रुपीज में आपको इजिली मिल जाएगा और सस्ता भी मिल सकता है, तो ये आप इजिली मार्केट में ले सकते हैं। इसे लेने से पहले आप एक्सपायरी डेट जरूर से चेक कर लें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, एक्सपायरी डेट चेक करने के बाद ही इसे लें। तो फ्रेंड्स ये था रैबिज डीएसआर कैप्सूल के बारे में जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी मेडिसिन के बारे में जानना, किसी दवा के बारे में जानना, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले, हमारा काम है सिर्फ मेडिसिन की नॉलेज देना है।